ये वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि अपने एनकोडर को ऑसिलोस्कोप से चेक करें, हाउ टू चेक इट। ये समझिए 1VSS का एक एनकोडर है, ये हॉलो शाफ्ट एनकोडर है, SEW की सर्वो मोटर्स में लगता है और इसका नंबर EH1S है, हॉग 74 बोलते हैं इसको, 1024 पल्सेस 1VSS। तो अगर ऐसा एनकोडर आपको चेक करना हो कि ये ख़राब है चल रहा है नहीं, तो मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा सकते हो बड़े आराम से। कोई एक ऑसिलोस्कोप ले लो सिंगल चैनल डबल अपने टू चैनल का, यहाँ ग्राउंड लगा दो, ये UB जो है यहाँ 10 वोल्ट दिया है और ये कह रहा है कि आपको देखो यहाँ इनपुट पावर बोल रहा है कि आपको 8-24 वोल्ट दे सकते हो। तो मेरे पास एक DC पावर सप्लाई है प्रोग्रामेबल, उससे हमने इसको दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। तो 10 वोल्ट यहाँ दे दिया और पावर सप्लाई का ग्राउंड यहाँ दे दिया, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। यहीं पर ही चैनल वन का जो नेगेटिव है वो यहाँ दे दिया है, इसके साथ है हाँ, और ये दोनों को कनेक्ट हो रहा है, चैनल वन को भी और चैनल टू के नेगेटिव को भी, और चैनल वन का प्रोब यहाँ है बी पे और बी बार पे, ठीक है। ये दोनों जब कनेक्ट कर दें उसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपको ये एनकोडर को घुमा के देखना है, स्लोली घुमाइए और देखिए कि आपका फीडबैक आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे पल्स आ रहा है, फिर आपके पास मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं आपके ऑसिलोस्कोप में, आप इससे दूसरे पीक टू पीक देख सकते हैं, पल्स साइकिल्स चेक कर सकते हैं, इसका ड्यूटी साइकिल चेक हो सकता है और फ्रीक्वेंसी चेक हो जाए, हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स। एक बार ऑसिलोस्कोप भी आ गए तो कुछ भी हो सकता है, तो आराम से आप इसको चेक करिए और ख़ुद अपना डिसीजन लीजिए, एनकोडर चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई और उलझन है आपको यहाँ पे अंदाजे से लग जाएगा। सेम अभी जब बी चेक हो जाए उसके बाद में शिफ्ट टू ए और फिर होम पर चेक कर लो, ये तीनों चीज़ें चेक हो जाएंगी। थोड़ा मिली एम्प्स का ये भी देखो कि ये कितना एम्पियर ड्रॉ करता है, बस ये सब चीज़ें, इससे आपके एनकोडर की हेल्थ आप खुद इन्श्योर कर सकते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा बिफोर बाइंग इन अ रिप्लेसमेंट। इन केस आपको रिप्लेसमेंट ख़रीदना हो हमारे पास आइए, हमारा ऑफिस इंडिया में भी है, दुबई में भी है, और हमारे पास जनरली ये जो CW के एनकोडर्स, ब्रेक रेक्टिफायर्स और कनेक्टर्स वगैरह सारे स्टॉक में रहते हैं। पूछिए अगर हमारे पास होगा, हम तुरंत से 5 मिनट में आपको जवाब मिलेगा। शुक्रिया।